नमस्कार, मैं गौरी वर्मा, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मानक नगर थाना क्षेत्र से है। यहां आरडीएसओ में डीजी कैंपस में बीते 19 मई को दिन दहाड़े चोरों ने एक मकान का ताला तोड़कर नकदी और जेवर पर हाथ साफ किया। पीड़ित द्वारा मानक नगर थाने में लिखित शिकायत करने के बावजूद भी अभी तक नहीं लिखी गई चोरों की रिपोर्ट। बता दें कि आरडीएसओ में डीजी कैंपस स्थित मकान नंबर C94/5 में रेलवे कर्मी राजकुमार पुत्र स्वर्गीय राम कुमार वाल्मीकि अपनी मां सबिता वाल्मीकि के साथ रहते हैं, जो कि आरडीएसओ हॉस्पिटल में कनिष्ठ लिपिक पद पर कार्यरत हैं। विगत 19 मई को सुबह लगभग 10:30 बजे राजकुमार अपनी मां के साथ गोमती नगर अपने दादा दादी के यहाँ गए थे। देर शाम जब माँ बेटे वापस आए तो मकान के गेट का ताला टूटा मिला। घर के अंदर 2 कमरों का भी ताला टूटा हुआ था और अलमारी और लॉकर भी टूटा था। कमरे में सारे सामान अस्त व्यस्त थे और अलमारी के लॉकर में रखे ज्वेलरी और 50,000 रुपए नगद गायब मिले। इस बड़ी चोरी की घटना के बाद मां बेटे परेशान हो गए और डायल 112 पर सूचना दी। इसके बाद पीड़ित रेलवे कर्मी राजकुमार ने इस संबंध में मानक नगर थाने में जाकर लिखित शिकायत की। पीड़ित ने बताया कि चोरों ने लॉकर में रखे 1 लाख की ज्वेलरी और 50,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ किया है। और मजे की बात तो यह है कि यह चोरी की वारदात डीजी कैंपस में हुई, जहां रेलवे सुरक्षा बल का पहरा रहता है। ऐसे में यहां चोरी की घटना डीजी कैंपस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। वहीं 19 मई को दिन में हुई चोरी की इस घटना की रिपोर्ट पीड़ित द्वारा तहरीर दिए जाने के बावजूद भी मानक नगर थाने में अभी तक नहीं लिखी गई है। वहीं थाना प्रभारी निरीक्षक अजीत सिंह ने कहा कि पीड़ित तहरीर में अभी तक चोरी हुए सामानों को पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं कर सका, इसलिए मामले की जांच कर एफआईआर दर्ज की जाएगी। भैया जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार जी, क्या परेशानी हुई, कैसे आपके घर में चोरी हुई? जी, ये घटना जो है ये 19 तारीख की है, जस्ट निर्वाचन के पिछला वाला दिन जो था 19/5/2024 को। मैं सुबह 10 बजे अपने दादा दादी के पास गया हुआ था, जैसे नॉर्मल संडे का दिन था। मेरे दादा दादी लोकल ही रहते हैं, तो मैं उनके पास गया था थोड़े समय के लिए मिलने। और मैं जब शाम को रात को सेम डे आया हूँ, मींस दिन भर सिर्फ मैं दादा दादी के पास रहा, शाम को जब आकर के वापस घर पे आया हूँ तो मेरे घर के सारे ताले टूटे मिले मुझे। और घर में जब मैं अंदर आया तो मैंने अपना सामान अस्त व्यस्त पाया, बिल्कुल खराब रूप में। मेन गेट था उसका लॉक टूटा हुआ था, मेन गेट और मेरा बीच इनर गेट था वो भी टूटा हुआ था। क्या किस चीज से तोड़ा गया था आपको? मुझे जो प्रतीत हो रहा था वो लोहे की रॉड प्रतीत हो रही थी जी, क्योंकि लॉक के 2 टुकड़े हिस्से हुए थे जी। और जब अंदर जा करके देखा तो मींस मेरा जो सामान था वो अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था अंदर। और जब चले तो मैंने जब लॉक अलमीरा चेक करी अपनी, तो अलमीरा पूरी टेढ़ी हुई रखी थी और पूरा जो अंदर का अलमीरा के लॉक था वो पूरा टेढ़ा लॉकर था मेरा, और उसमें से कैश और ज्वेलरी पूरी गायब। कितना कैश था? कैश मेरा अराउंड 50,000 के करीब था जी। और ज्वेलरी लगभग कितनी थी? ज्वेलरी लगभग 1 लाख रुपए की होगी। था ज्वेलरी में जो नॉर्मली था वो सोने के झुमके थे, माता जी के थे, और सोने की अंगूठी थी, और सोने की अंगूठी थी, और उसमें जो था मेरे पास चांदी का झुमका था उसमें नॉर्मल। इसी तरीके कितने तक की मतलब नुकसान हुआ आपका? नुकसान मेरा 1 से 1.5 लाख का। आपने मानक नगर थाने को प्राथमिकता दी? मैंने मानक नगर को जस्ट ही जैसे ही ये वारदात हुई मेरी, उस समय मैंने ऑन स्पॉट उनको कॉल किया, वो आकर के सिर्फ मुआयना करके गए और देखा उन्होंने सिर्फ लिख लिया। उन्होंने कहा कि आप नेक्स्ट डे, जो कि निर्वाचन वाला दिन था, आप हमें अपना एप्लीकेशन दीजिए एफआईआर दर्ज करने के लिए। मैंने तुरंत ही नेक्स्ट डे सुबह जा करके उनको एप्लीकेशन जो प्राथमिकता के तौर पे दे दी कि मेरी एफआईआर तुरंत से तुरंत लॉन्च करी जाए। तो आपने इसके बाद पता किया कि आपकी एफआईआर लॉन्च हुई कि नहीं? मैंने उस दिन भी प्रेशर मैं उनको बात करी, शाम को जा करके पूछा मेरा एफआईआर लॉन्च हुई। उन्होंने कहा निर्वाचन वाला दिन है, हम सब बिजी हैं, नहीं हो पाएगी। फिर उसके दूसरे दिन आप गए? मैं कल भी गया थाने पे और पूछा, उन्होंने बोला आपकी जांच चल रही है, अभी 2-3 दिन का समय हमें दे दीजिए, उसके बाद हम एफआईआर लॉन्च करेंगे। आरडीएसओ जो कि एक बड़ी भारतीय रेल की एक बड़ी संस्थान है, हाँ संस्थान है जी, यहाँ की आरपीएफ जो बड़ी सुरक्षा व्यवस्था को देखती बहुत रखती है, उसके बावजूद भी चोरी हो रही है जी। यही सबसे बड़ा सवाल है मेरा जो प्रशासन के तौर पे है कि प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी कमी कैसे आ सकती है, और हम जब सेफ नहीं महसूस करेंगे तो बाहरी आदमी कैसे सेफ महसूस करेगा। आरडीएसओ को आपने सूचना दी इस चोरी की? मैंने इसको लिखित के रूप में अपर महानिदेशक एंड CSC RPF को भी दिया है, बट उन्होंने बोला कि ये जो कि पर्सनल चोरी है आपकी, ये हमारे अंतर्गत नहीं आती, क्योंकि कोई भी रेलवे प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं हुआ है।
रेलवे प्रॉपर्टी के नुकसान की, आप रेल कर्मचारी हो, हाँ, ठीक है, आपका घर भी जो है वो रेल प्रॉपर्टी के अंतर्गत ही आता है जी। अगर वहाँ चोरी होती तो मींस एक तरीके से, हाँ, कैसे कह सकते हैं कि आरपीएफ की रोल नहीं हो सकता। हालांकि आरपीएफ भी अपना एक तरीके से पल्ला झाड़ती है और कोई भी मतलब बढ़ के आगे नहीं आना चाहता कि आदमी एक दूसरे की हेल्प करे। हालांकि अंदर परिसर में रहने का मतलब ये, हम एक डीजी कैंपस में रह रहे हैं, यहाँ पे सबसे बड़ा महानिदेशक रहता है, जो कि अगर इतनी असुरक्षा हमें महसूस हो रही है तो फिर हमारे लिए सेफ कैसे होगा। रोड से इतनी बड़ी सुरक्षा को लेकर राशि आती है, तो जो प्राइवेट गार्ड पहले रखे थे अभी गार्ड नहीं रखे, इसके बारे में क्या कहना है आपका? मेरा कहना यह है कि मैं यहाँ पे काफी समय से रह रहा हूँ, मेरे फादर भी यहाँ पे सर्विंग थे, मैंने छोटेपन से देखा है कि जब एक सर्विस मैन थे तो यहाँ पे एक कुत्ता क्या गाय भी नहीं पटकते थे, हालांकि वो सेफ्टी पर्पज से बहुत बड़ा पॉइंट था। लेकिन जब से आरपीएफ आई है मुझे नहीं लगता कि वो अच्छे से पूछताछ कर रही है या फिर मतलब किसी चीज पे फोकस करती है। पल्ला झाड़ रही है और पुलिस वाले थोड़ा सा ना आनाकानी कर रहे हैं वो एफआईआर दर्ज करने में, मींस वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि तुरंत ऑन स्पॉट जो चीज होनी चाहिए वो अपने तरीके से, क्योंकि डायरी में जब एंट्री करनी होगी तो उसको डिस्पोज भी करना होगा, उसका जवाबदेही हो जाती है एफआईआर का मतलब, तो थोड़ा सा यही दिक्कत लग रही है मुझे। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही, देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।